चांदी का मोटे जबूर के पत्ते लाडा के गुच्छे चुक चुक के जमीन लगे हुए तो बूटा बनया पा। अच्छा और सवेरे उठाया उन्हें अपने वजीर ने बुलाया, उन्हें कहा वजीरा गल ये आवे जे आ चांदी का मोटे जबूर के पत्ते लाडा के गुच्छे चुक चुक के जमीन लगे हो बूटा पैदा करना नहीं तो तेरा कान बचा कुछ कर देना जी अगर गई का होंगे। हाँ जी वजीर गया जी घर अपने टब्बर पुछया उन्हें जाके उन्हें कहा जी एडा एडा मुहिम पै गई आ ये पूरी करनी है नहीं तो अपना कान बचा कुल्लू पुछे मार देने बाद जी उन्हें कहा ठीक है घरों जा तो लैके चले गए बादशाह को। उन्हें कहा हाँ जी मैं जाना एक घोड़ा देता उन्हूं घोड़े के उत्ते खाना दाना लद के उत्ते बह के तो तुर पाया तुरया जाता राह च एक ना बकरियां चार का बंदा टकरिया उन्हूं वो बकरियां चार रहा सीगा वो उसका दोस्त सीगा। उन्हें कहा बादशाह वजीरा अज किधर नूं जा रहा भाई उन्हें कहा जाना कित्थे आ यार एक मुहिम आ गई बादशाह ने कहा भी चांदी का मुठ जबूर के पत्ते लाडा ने गुच्छे चुक चुक के जमीन ना लगे होण ये बूटा पैदा करना नहीं तेरा कान बचा कोल्लू कर सकते हैं। हाँ जी मैं कहा यार गल ही कोई नहीं हैगी तू अपना भरा बनया तू बकरियां चार दे मैनू दे घोड़े से चढ़िया लैके तुर पाया जी तुरया जाता राह के यार एक माई टकरी उन्हें जिन्हें माई टकरी और को एक टाची केस छोटा जहा ट्रंक उन्हें कहा पुत्र चिथे चलिया ना मेरा ट्रंक घोड़े से रख रहा तो मैं तेरे मगर तुर के आ जाऊँ। उन्हें कहा माई तू ही बह जा उन्हें कहा नहीं मैं नहीं बैठना तू ट्रंक उन्हें ट्रंक उत्ते रख लिया तुरया जाता उन्हें कहा पिछा मुड़ के देखा तो माई नजर ही ना आई उन्हें जेने माई नजर ना आई उन्हें ट्रंक चकिया चक बगा के पिछे नू मारिया जल्द पिछे नू मारिया तो वे तो एक ना न्याणा पैदा हो गया ट्रंक च ट्रंक दे विच। उन्हें कहा अब्बा जी किधर चले हो मैं भी थोड़े नाल ही जाना वो डर गया। उन्हें कहा ये तो कोई जिन भूत हैगा जेड़ा मेरे मगर लग गया है तो हुण मेरा बचना होगा। अच्छा उन्हें कहा तेनू कोई मुहिम नहीं पैंदी तो मैं तेनू कुछ नहीं कहना है मैं तेरे फायदे की गल कर तुरह जाना। उन्हें कहा यार इदा करिए इन्हें इदा तो मेरे मगरों लाना नहीं है इन कही जाना पानी ला गया लग गया दूर ही ना एक खूह से दो तीन मील लग गया। उन्हें कहा पानी अब्बा जी हूँ ला के आया वो गया दियो सगा वो गया उन्हें जो खूह या टिंडा सगिया चौके सब को लिया गया उस पर उन्हें कहा लो जी अब्बा जी पानी पी उन्हें जैसे उन्हें कहा ना पानी पी उन्होंने देखा ये सब कुछ ही चक्की आन डाया। उन्हें कहा पुत्र इदा गल कर ये अगले का समान उत्थे रख के आ तो अगले ने भी सवेरे खूह चलाना होगा पानी खेतों लाना उन्हें कहा हूँ ही रखे उन्हें उन्हें दौड़िया दियो की मालूम सगा जी वो गया खूह तो रख के पे वो मगर उतो ही मोहरे रात ना तुरया जाता तो परियां के मुल्क चले गया। अच्छा जल्द परियां के मुल्क चले गया उन्हें कहा बाजारों उत्थे सगा एक खूह 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 सगा तो खूह के बेच ना रहा सी दियो उत्थे बहगा जा फिर उन्हें कहा बाजारों कह लगा भी मैं बहना पिछे रोके तो तू खूह के बेच उतरना बाजार उड़ू रोके बह गया जो खोज उतर लगा तो उसे देव आ गया। उन्हें कहा अठी लाना क्या सारी उन्हें कहो जिदा मर्जी लड़ना मेना भाई वो दोवें कुत्थों कुत्था होए वो जो जिन सी उन्हें कहा देव ने भी जे ना ही डिगे ना तू ये कह रहा तो मैं तेन ये कहना भी नहीं डिगना तो मैं आवा इन्हें तेन वो डिग पेगा तो रार कर जिस वेले खूह चो निकलिया दोवें जने कुत्थों कुत्था हो गए जल्द कुत्थों कुत्था हो गए तो डिगे ना वो इंसान से वो डिगो से
उन्हें जरा पिछे बाजार लुकया बैठा सी दे उन्हें कहा नहीं अब भाई डिगड़ा तो मैं आवा उन्हें दो ने पिछे मुड़ के देखे पता नहीं कुछ जाबर होगा जरा लुकया बैठा उन्हें चक्या चक्या फिर वो खूह के बच्चे उतरिया उतर के जल्द थले गया तो एक छोटी जी टाकी लगी उस खूह के बच्चे वो बच्चे रही सी परी वो कुराने पाक पढ़ रही थी जल्द उन्हें दरवाजा खोल के देखा तो कुराने पाक उन्हें कहा भी उन्हें देखा भी इंसान इतने कि आ सकता वो जल्द उन्हें देखा उन्हें इंसान कि पूछा भी तू इतने कि बाहर तो देवों का पहरा आया तू कि बच के आ गया उन्हें कहा जी देव ता मारता मैं उन्हें कहा फिर तू कि फिर इतने की करना आया वो कह लगा जी मैं इस करके आया सोने का मुढ़ जबूर के पत्ते लाला के गुच्छे चुक चुक के जमीन न लगे हूँ उत्ते सोनमर्ग बैठा होवे ये बूटा पैदा करने वास्ते घरों आया वो परी कह लगी गल सत्त भैन आया सत्तां खूह के उत्ते सत्तां दे देवां दे पैरे आ जो सत्तां नूं तू मारेगा फिर तू कामयाब हो सकता अच्छा उन्हें कहा एक तू मार लिया इस तो अगे चल जा उतों तुर पिया फिर नाल ही वो बचा रोडू तुरे जाते अगे गए तो फिर खूह आ गया परियों का मुल्क सगा जल उ गया वो खूह तो फिर चले गया तो उत्त बह गया दोवें जने उधरों आदम जो आवे आदम बादम वो कर देखा आदम आ गया खा जाना मैं इन बचा रोडू डुब गया उन्हें वो जाग दो आया तो गुस्सा गुस्सा हो गया जल्द गुस्सा गुस्सा होए उन्हें किया बचा रोडू कहता नहीं डगना तो मैं आवा उन्हें जल इन्नी गल आखी दो का ध्यान पिछे हो चुके चले भी जबर कर जल्द उन्होंने भी जबर किया देखियो जी सरकार नवा काम शुरू फिर जनाब उन्हें ना फिर थले उतरिया खूह से ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰੀ ਬੈਠੀ ਕਰਾਣੇ ਪਾਕ ਪੜ ਰਹੀ ਉਹ ਪਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰਿਆ ਮਾਰਤਾ ਦਿਓ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਗੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੋਨ ਮੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੰਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਵੇਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪਰੀ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਦਰ ਸੁੱਚੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਮਿਟ ਜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚਾ ਰੋਡੂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਬਾਗ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ
ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ, ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।